अरे जब से आवा यह कोरोना रोना धोना होई गवा का करिएगा। अरे रोना धोना होई गवा हो रोना धोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई गवा हर घर रोना होई गवा हर घर रोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई तो रोए रहे सब नर नारी ना बात समझ में आवे रोए रहे सब नर नारी है बात समझ ना आवे। अरे लॉकडाउन कर्फ्यू का मंजर देखा कहा न जावे आवे समझ न जाने कैसा जादू टोना होई गवा आवे समझ न जाने कैसा जादू टोना होई गवा जादू टोना होई गवा जादू टोना होई गवा आवे समझ न जाने कैसा जादू टोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई जाने कैसा जादू टोना होई गवा आवे समझ न जाने कैसा जादू टोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई गवा घर घर रोना होई गवा घर घर रोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोए रहे सब व्यापारी व्यापार भवा है चौपट रोए रहे सब व्यापारी अरे व्यापार भवा है चौपट और इस महामारी से डर लागे ना घर घर की अरे इस महामारी से डर लागे अरे ना घर घर की चौखड़ी से देश संक्रमित देखो कोना कोना होई गवा इससे देश संक्रमित देखो कोना होई गवा कोना कोना होई गवा कोना कोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना रोना धोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई रोए रहे सब व्यापारी व्यापार भवा है चौपट अरे इस महामारी में डर लागे और ना घर घर की चौखड़ी से देश संक्रमित देखो कोना कोना होई गवा इससे देह संक्रमित देखो कोना कोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना तब से रोना वैज्ञानिक यो पंडित सोचे जतन करी अब कौन वैज्ञानिक यो पंडित सोचे जतन करी अब कौन अरे बात किसी की समझ न आवे और होइ के बैठे मोल अरे बात किसी की समझ न आवे अरे होइ के बैठे मोल ऐसा मारा मार कर रोना रोना धोना होई गवा ऐसा मारा मार कर रोना रोना धोना होई गवा रोना धोना होई गवा रोना धोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना रोना धोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना घर घर रोना तो रोए रहे रोए वैज्ञानिक यो पंडित सोचे जतन करी अब कौन कोई वैज्ञानिक अभी इसकी दवाई नहीं बना पाए हैं सारा देश सभी देश परेशान है गौर करिएगा श्रीमान जी ऐसी बीमारी चली कि एक एक इंसान बच्चा बच्चा परेशान हुआ वैज्ञानिक यो पंडित सोचे जतन करी अब कौन अरे बात किसी की समझ नहीं आवे होई के बैठे मोल अरे ऐसा मारा मार को रोना रोना धोना होई गवा ऐसा मारा मार को रोना रोना धोना होई गवा रोना धोना होई गवा रोना धोना होई गवा जब से आवा यह कोरोना रोना धोना
अरे रो न धो न हो गवा, रो न धो न हो गवा, जब से आवा यो कोरोना, रो न धो न हो गवा, जब से आवा यो कोरोना, घर घर रोना, चारों तरफ को राम राम को याद रात दिन करते, अब बड़े थे तीरंदाज आज वो कोरोना से, अरे बड़े थे तीरंदाज आज वो कोरोना से, डरते कहते गुन्नू लाल ये देखो काम ही रोना हुई गवा, कहते गुन्नू लाल है देखो काम ही रोना हुई गवा, ओ घिनौना हुई गवा, घिनौना हुई गवा, कहते गुन्नू लाल है देखो काम ही रोना हुई गवा, जब से आवा यह कोरोना रोना धोना, गलवन घाटी पर अरे चीन तेरी करतूत कहूं, और चीन चाइना कहूं तुझे या फिर कुकुर का, कोरोना गलवन घाटी पर चीन तेरी करतूत कहूं, चीन चाइना कहूं तुझे या फिर कुकुर का मौत कहूं, चीन चाइना कहूं तुझे तो चीन चाइना कहूं तुझे या फिर कुकुर का मौत कहूं, क्योंकि ऐसा किया है, गौर करिएगा, कोरोना गलवन घाटी पर अरे चीन तेरी करतूत कहूं, और चीन चाइना कहूं तुझे या फिर चीन चाइना कहूं तुझे या तो चीन चाइना कहूं तुझे या फिर कुकुर का भूत कहूं, पास माने नहीं तुझे तो फिर लातों का भूत कहूं, पास माने नहीं तुझे तो फिर लातों का भूत कहूं, जिन पिंगानों तुझे तो जिन पिंगानो कहूं तुझे या तुझको वृक्ष बलूत कहूं, और जिन पिंगानो कहूं तुझे, क्योंकि जिनपिंग इस समय चीन का प्रधानमंत्री है, जिन पिंगानो कहूं तुझे और या तुझको वृक्ष बलूत कहूं, अरे इधर पाक ना पाक हुआ क्या तुझको छुआ छूत कहूं, इधर पाक ना पाक हुआ क्या तुझको छुआ छूत कहूं, इधर पाक ना पाक हुआ क्या तुझको छुआ छूत कहूं, मार पीट पर करता ना सम्मुख आने का भूत कहूं, लड़े सामने सुनिएगा लड़े सामने आए तो मार पीट पर करता ना सम्मुख आने का भूत कहूं, मार पीट पर करता ना सम्मुख आने का भूत कहूं, मार पीट पर करता ना सम्मुख आने का भूत कहूं, और डटे सामने भारत माँ के देखो भी सपूत कहूं, डटे सामने भारत माँ के देखो भी सपूत कहूं, जग जीवन इन जवानों को मैं लंका, ये तो ताजी ताजी बात है आप लोगों के बीच में पेश कर दिया, गौर करिएगा, और हमारे आदरणीय श्रीमान जितेंद्र यादव बड़े भैया के करकमलों द्वारा ये महान महान 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है, कोट कोट धन्यवाद है, कोट कोट धन्यवाद है, भगवान सदैव मनोकामना पूरी करे, गौर करिएगा, इधर सत्यभामा की यज्ञ आपने दर्शाया है श्रीमान जी, गौर करिएगा, और हमारे आदरणीय श्रीमान तीरथ राम बड़े भैया बगिया निवासी कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है, तो भगतो हित तार को लेते उनके संकटारी तुम, और जब जब हुई धर्म की हानि मारो अत्याचारी तुम, हरड़ा छक्का मार दी हो बारा हर उपकारी तुम, हरड़ा कुछ प्रहलाद के कारण निक्षो खंभा भारी तुम, तरसती हो प्रहलाद भक्त का धर्म नरसिंह अवतारी तुम, राजा बल से दान ली हो बन बावन रूप भिखारी तुम, वृंदा के संकट की हो जालंधर बने मुरारी, हो त्रेता में अवतार ली हो कुल रावण के संघारी तुम, द्वापर में बंसी वाले बंदी हो कंस का नारी तुम, बिना कर जग जीवन पर भूखाहे की हो अपारी तुम, इस संसार अपार सिंह से नैया लियो निकारी तुम, नैया लियो निकारी, प्रभु आप से है मेरी
के सरस्वती की कलम चली कागज पर जी, कहने पे बजरंग बली यो सिंह वाहिनी है गर जी, तेरे ज्ञान के ऊपर शायर कहूंगा गान बराबर जी, अगर तमन्ना गाने की तो दिखा ज्ञान का जौहर जी, बाबा के चेलों के सामने चली ल तेरा हुनर जी, सही सुनाऊं दास्तान बकवास करी ना हम भर जी, है सुनने के काबिल प्यारे कथा सुनो ये बेहतर जी, श्रीमद भागवत ग्रंथ है लिखा उसी के। और हमारे रामचंद्र यादव, रामचंद्र यादव बड़े भैया पटपड़वा निवासी कर कमलों द्वारा महान महान 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, भगवान सदैव मनोकामना पूरी करें, माता रानी सदैव रक्षा करें, सदैव अंग संग रहें, गौर करिएगा क्या बात चले, ध्यान दे। श्रीमद भागवत ग्रंथ है लिखा उसी के अंदर, और महाराज मिथिले जनक के जन्म को जाना शंकर जी, भगन खली भाते लिखने में प्रसन्न रहती दिल भर जी, प्रसन्न रहती दिल भर, प्यारे सुनिए कथा पुरानी का, महाराज निम्भू पद की तुम जिक्र सुनो रजधानी का, उम्र लगी थी ढलने उनकी काया सुनो बुढ़ानी का, संतान रहे थे राजा पास सुनो लासानी का, एक बात की चिंता उनके मन में रही समानी का, यज्ञ करो यज्ञ धूमधाम से मन में अपने ठानी, और यज्ञ करो यज्ञ धूमधाम से मन में अपने ठानी का, महायज्ञ पूरी करवा के सफल करो जिंदगानी का, कौन भरोसा इस जीवन का जैसे बुलबुला पानी का, बुलवाया है महाराज ने गुरु वशिष्ठ मुन ज्ञानी का, गुरु वशिष्ठ के आगे भूपत बोले ऐसी वाणी, भूपत बोले ऐसी वाणी गुरुदेव के आगे, करके प्रणाम चरणों में सर को झुकाए के, इस दास का सवाल थोड़ा सुनिए आपसे, जिस कारण आप आए हैं यहाँ बुलाए के, करवाना मेरी यज्ञ बस यही सवाल है, करके विचार विधवत तुम जाना बताए के, बोले गुरु वशिष्ठ जी सुन लीजिए राजन, पहले सुरपत की यज्ञ करवाना है जाए के, क्योंकि पहले से आमंत्रण सुरपत ने किया है, फिर बात यज्ञ तुम्हारी करवाऊ आए के, मिसरे निराले रहते हैं गुरु साधु राम के, पै हो ना शायर पेश तुम भूता चिल्लाने से किसी भी रहे का जवाब नहीं लग जाएगा श्रीमान जी, अगर जवाब गाओगे तब जवाब लगेगा, अब कहा अगर तुम्हारे चिल्लाए से विरह का जवाब लग जाए तो नामुमकिन बात है। और आपने कहा कि खोदा पहाड़ निकरी चुहिया, अगर तुम पहाड़ और खाई खोदी हो तो चुहिया ने निकरी का महाथी निकरी, और चुहिया निकली भी तो श्रीमान जी उसको न तो पकड़ पाए न मार पाए, वो भी निकल गई। और हमारे आदरणीय श्रीमान सीताराम प्रधान जी मुकाम के निवासी बड़े भैया की तरफ से ये महान महान 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, भगवान सदैव मनोकामना पूरी करें, सदैव माता रानी सदैव अंग संग रहे, गौर करिएगा क्या बात चले, ध्यान दे। अरे यही सवाल है, अब करके विचार पे हम तुम जाना बताएंगे, बोले गुरु वशिष्ठ जी सुन लीजिए राजन, पहले सुरपत की यज्ञ करवाना है जाएंगे, क्योंकि पहले से आमंत्रित सुरपत ने किया है, फिर बात यज्ञ तुम्हारी करवाऊ आएंगे, मिसरे निराले रहते हैं गुर साधु राम के, पहले हो ना शायर पेश तुम भूसा उठाए गए, मुका लगाना तुम सभा में कहते सुपलकन, इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी इंद्र लोक को किया गमन, लगे सोचने महीपाल आसन पर बैठे मही मन, अन्य पुरोहित को बुलवा के कार्य के काल के करण, सभी दूर के ऋषियों को भूपत भजवाया निमंत्रण, कार्य का शुरू हुआ मंडल सजवाया है राजन, ऋषि मुनि देव का दरिया लगा के बैठे हैं आकन, धूमधाम से यज्ञ चलाना किसी बात की भयाचन, आगे का इतिहास सभा में गौर से कहते